भारतीय जनता पार्टी व जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है तथा उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिलाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट तथा विधायक चंद्रनाम दास ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने गरीब मजदूर और किसान की सेवा का जो दर्शन विश्व को दिया था वही विकास का मूल आधार है। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के बताए मार्ग पर चलकर मानवता की सेवा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एकात्म मानववाद पर उनके दर्शन को विश्व में अद्वितीय साहित्य बताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा गरीबों की सेवा का भी संकल्प लिया। समाज को अंत्योदय दर्शन कराने वाले और समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता करने वाले ऐसे महान व्यक्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती आज हम इस पार्टी कार्यालय में हम सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया और आपके माध्यम से हम उनको श्रद्धा सुमन और नमन करते हैं। और ये कार्यक्रम आज हमारे जनपद के समस्त 370 बूथों में मनाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती को आज मना रही है, क्योंकि दीनदयाल जी के ही पदचिन्ह पर चलकर चाहे आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हो चाहे देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, उन्हीं के बताए गए, क्योंकि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति की चिंता करने का जो संकल्प दीनदयाल जी ने पार्टी को दिया था आज उसी के पदचिन्ह पर हम लोग चल रहे हैं। जनसंघ के संस्थापक के रूप में और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में महामंत्री के रूप में एक विचारक, एक लेखक और मानवता समरसत के धनी के रूप में हमारे देश के नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आज जयंती के रूप में हम लोग यहाँ पार्टी कार्यालय में मना रहे हैं। मैं उनके जन्म दिवस पर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नेतृत्व में पार्टी ने बहुत मजबूती से काम किया और दीनदयाल उपाध्याय जी के जो विचार है एकात्म मानववाद और अंत्योदय तक प्रत्येक गरीब के घर में मकान हो, बिजली हो, पानी हो, सब सेवाएं उपलब्ध हो, यदि गरीब कोई अगर हम सेवा नहीं कर पाए तो उनकी विचारधारा की हमने विकास नहीं किया, इसलिए अंतिम छोर पर बैठे हुए अंत्योदय के रूप में उन्होंने जो विचारधारा शुरुआत करी उनके विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अंत्योदय योजना शुरू की। अंत्योदय जो कार्ड दिए गए, अंत्योदय के रूप में जो हमने काम किया वो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा थी। वो एक अध्यक्ष के रूप में, महामंत्री के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने देश में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाया, जनसंघ के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया। उसी विचारधारा को आज मोदी जी आगे लेके जा रहे हैं। आज जो किसानों का जो चिंता करने की बात है, आज जो गरीब को प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे हैं, कृषकों के लिए जो हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ये दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा है। और मैं समझता हूँ कि मुगलसराय स्टेशन में 1969 में उनका मृत शरीर पाया गया, उनको कहा जाता है अजात शत्रु के रूप में, इस देश में उनका नाम प्रख्यात है। और अजात शत्रु माने जिसका कोई शत्रु नहीं हो, जिन्होंने सबकी भलाई की हो, जिन्होंने विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया हो, उसी विचारधारा को आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और देश के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और बंशीधर भगत जी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम हमारे पूरे बूथ स्तर पर किया जा रहा है। मैं अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूँगा कि गाँव की गरीब की सेवा हो और उसी सेवा में माननीय अपने दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा है, इस विचारधारा को आगे ले जाने का हमने आज संकल्प लिया है। सीसीएन न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।